नमस्ते प्रोफेसर साहब। आओ खाना, आओ आओ। आज भाई जरा जल्दी कॉलेज जाना है। जी, वो दार्जिलिंग से कोई जवाब आया? हाँ भाई, आज सवेरे की डाक से आया है। क्या लिखा है? वो ट्यूशन वाली नौकरी मिलेगी ना मुझे? आई एम वेरी सॉरी खन्ना, उस काम के लिए उन्हें किसी बूढ़े प्रोफेसर की जरूरत है, नौजवान की नहीं। जी, लेकिन उन्हें मेरी जवानी पे क्या इतराज है? सीता देवी का ये खत सुनो, कुछ समझ जाओगे। लिखती हैं, आपने मिस्टर खन्ना के बारे में जो कुछ लिखा है सारी बातें मुझे पसंद है, फिर भी एक बात आपने नहीं लिखी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मिस्टर खन्ना की उम्र 50 के ऊपर है तो आप उन्हें फौरन हमारे यहाँ ट्यूशन पर भेज दीजिए, लेकिन अगर वो 50 से कम है तो हरगिज ना भेजिए। सुना, क्या सरफिरी औरत है। कुछ समझ में नहीं आता प्रोफेसर साहब, अब मैं क्या करूं? ना जाने कितनी जगह नौकरी की कोशिश कर चुका हूं मैं, लेकिन कहीं भी ना मिली। ये एक आखिरी उम्मीद थी, सो ये भी। जी चाहता है एमए की डिग्री फाड़ के फेंक दूं। जानते हो, गुस्सा करने के लिए 72 रगों पर जोर डालना पड़ता है, लेकिन मुस्कुराने के लिए सिर्फ 11 पर। सो वाई वेस्ट एनर्जी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। जी नहीं प्रोफेसर साहब, शुक्रिया, अब मैं चलूं। सुनो, मैंने 4 साल सिर्फ तुम्हें पढ़ाया ही नहीं बल्कि हमेशा अपने बहुत करीब समझा है। देखो, शर्माना नहीं, अगर पैसों वैसों की जी नहीं तो... बिल्कुल नहीं, आप मुझे इतना करीब समझते हैं यही मेरे लिए बहुत। नमस्ते प्रोफेसर साहब। प्रीतम भैया, पिछली बार तो तुम अपना फाउंटेन पेन गिरवी रखकर 5 रुपए ले गए थे, अब क्या लाए हो? इस बार कुछ नहीं लाया था। तुम्हें रोकड़ा देने से मुझे इनकार नहीं, फिर भी हमारे धंधे के कुछ नियम होते हैं भैया। तुम्हारे पास नौकरी होती तो 100-200 यूं दे देता, मगर इस बेकारी में तुम मेरी रकम लौटा सकोगे ये खातरी कैसे हो मुझे? माफ करना काका, तकलीफ दी आपको। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं।
प्रीतम। माँ 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 मा, आज कैसी अपने लाडले की दुलारी है? अरे माँ तुझे बुखार है क्या? नहीं रे, चूल्हे के सामने से उठकर आ रही हूँ ना इसलिए। अच्छा ये बता, तू उसके पास गया था? अरे वही तेरे कॉलेज का दोस्त जो 2-3 मिलों का मालिक बन गया है अब। दीपक? हाँ हाँ दीपक। हाँ गया था माँ। वहाँ कुछ बड़ी गप्पे हुई, खूब हंसी मजाक चला। यानी वो भी तुझे कोई नौकरी नहीं दे सका? दोस्त को दोस्त रखना चाहता है माँ, नौकर नहीं। वापसी में प्रोफेसर साहब के यहाँ भी गया था। अरे हाँ, उन्होंने भी तेरी नौकरी के लिए किसी को लिखा था ना, वहां से जवाब आया कोई? आया माँ, उन्हें मेरी सब बातें पसंद आईं, लेकिन मेरा जवान होना पसंद नहीं आया। सिर्फ किसी बूढ़े को नौकरी देना चाहते। ओह, फिकर ना कर बेटा, आज नहीं तो कल। आखिर कब तक नौकरी ना मिलेगी तुझे? चल चल खाना खा ले। चल माँ। चल। तूने खाया माँ? बहुत खाया बेटा, पड़ोसन के बेटे का मुंडन था, वो ढेर सारे लड्डू दे गई थी। बहुत भूख लगी थी मुझे, मैं तो सब के सब खा गई। क्यों झांसा देती है माँ? तेरे घर में लड्डू आते और तू अपने बेटे के लिए ना रखती? चल चल माँ, चल खा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, चल तू खा ले। माँ पेट में जगह हो तो खाओ ना, आज प्रोफेसर साहब ने मेरी खूब आवभगत की माँ। रसगुल्ले, चमचम, सेव गाठिया खूब डटा के आ रहा हूँ माँ। सच? हाँ हाँ। मैं नहीं मानती माँ, मैं तेरे से झूठ थोड़ी बोलता हूँ, सच बोलता हूँ बिल्कुल। देख पेट भरा मेरा। सॉरी माँ। मुकुल 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 माँ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? मतलब मुझसे बहाने करती रही हैं? तुम्हें सच में बुखार है माँ? माँ क्या हुआ माँ? प्रीतम की माँ। प्रीतम की माँ। प्रीतम की माँ। मौसी। क्या हुआ बेटा प्रीतम? मौसी तुम माँ का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। प्रोफेसर साहब। कौन? खन्ना, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आते हो। मेरी माँ बहुत बीमार है प्रोफेसर साहब, बेहोश पड़ी है। बेहोश? तो डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर के लिए मेरे पास तो भले मानस पहले क्यों ना बताया तुमने मुझे। ये लो डॉक्टर घर ले जाओ। डॉक्टर का शुक्रिया। ओ जाओ डॉक्टर घर ले जाओ। और देखो 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 ये सीता देवी को खत लिख दिया मैंने, इसे फुर्सत में पढ़कर फौरन पोस्ट कर देना। जाओ 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 जाओ। शुक्रिया। जाओ। मिस्टर खन्ना, मेरा ख्याल है आपकी माँ को टीबी। टीबी? हाँ। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिर से देखिए, अचानक टीबी कैसे हो सकता है? अचानक नहीं हुआ, वो शायद अभी तक अपनी तकलीफ आपसे छुपाती रही है, इसलिए मर्ज काफी बढ़ चुका है। डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपके हाथों बिक जाऊंगा। इस दुनिया में माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं, किसी भी तरह बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप इतना परेशान ना हो, वो अच्छी हो सकती है, आप उन्हें किसी अच्छे से सैनिटोरियम में भिजवा दीजिए। सैनिटोरियम? लेकिन कैसे भेजाऊं, कैसे भिजाऊं मैं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेकार हूँ आजकल। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर खन्ना, लेकिन मैंने आपसे कहा है ना कि मर्ज काफी बढ़ चुका है, और फिर उनका इस घर में ज्यादा देर रहना अच्छा भी नहीं है। अगर आप अपनी माँ की जिंदगी चाहते हैं तो उनको किसी सैनिटोरियम में ले जाना बहुत जरूरी है। माँ की जिंदगी? हाँ,
जितनी जल्दी हो सके सेनेटोरियम में ले जाइए उन्हें। ये थैंक यू। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? डॉक्टर ने माँ की जिंदगी चाहते हैं तो उनको किसी सैनिटोरियम में ले जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें रोकना देने से मुझे कोई इनकार नहीं। तुम्हारे पास नौकरी होती तो 100-200 ये भेज दो। आई एम वेरी सॉरी खन्ना, उन्हें एक बूढ़े प्रोफेसर की जरूरत है, नौजवान की नहीं। उन्हें जवान की नहीं बूढ़े आदमी की जरूरत है, बूढ़े आदमी की जरूरत है। Thank you.
बतिया डर डर जाऊं लाज के मारे बोल न पाऊं बतिया रंग रंगीला मौसम लाया आज पे हुके पतिया वो हमसे चोरी चोरी आप मिलाएगा हमरे गांव को ले आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा हमरे दर्पण दिल का आए नजर एक छैला ठुम ठुम ठुमके चाल नशीली लागे दिनल बेला हरदम मेरा दिल धड़काए मस्त मिलन के बेला कल छिन देखू मुड़ मुड़ देखू प्रीतम रूप नशीला वो आके सोया सोया भाग जगाएगा हमरे गांव को नमस्ते नीना
ये मर्द यहाँ कैसे आया? मर्द? जी हाँ, मर्द ही है। मैं पूछती हूँ मेरी गैर हाजिरी में मर्द इस घर में कैसे आया? मुझे पता नहीं आंटी, मैं तो अपने कमरे में लिखाई पढ़ाई कर रही थी। जी मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मैं प्रोफेसर खन्ना हूँ। ओ जी, आपने मुझे यहाँ ट्यूशन के लिए बैठे। बाल तो थोड़े बहुत सफेद हैं, लेकिन चेहरे पे कोई खास झुर्रियां नहीं। जी बात यह है कि मैं योग का माहिर हूँ, सारे के सारे आसन बस यूं कर लेता हूँ। तो योग विद्या भी जानते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। किस योगीराज से सीखी है? योगीराज से? जी नहीं, सिर्फ किताबों से सीखी है, बहुत पुराने पुराने शास्त्रों से। पुराने शास्त्रों से? लेकिन वो तो सब संस्कृत में होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यानी कि आप संस्कृत भी जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे, तुम लोगों के लिए अब मुझे पंडित ढूंढने की जरूरत नहीं। नीना, प्रोफेसर साहब को उनके कॉटेज में पहुंचा दो, आप आराम कीजिए। तो आप संस्कृत पढ़ाएंगे हमें? संस्कृत? संस्कृत? जी हाँ, आंटी संस्कृत लादना चाहती हैं हम पे आपके जरिए। हरिओम, शांतम पापम, शांतम पापम। बालिक मेरी कुटिया की ओर प्रस्थान करें। दिस वे प्लीज। अपनी कौन सी है? चलिए पता चल जाएगा। ये रही आपकी कॉटेज, थर्ड से अंदर जाइए, बिस्तर फर्नीचर सब कुछ मौजूद है आपके लिए अंदर। थैंक यू थैंक यू। ठहरिए। क्या हुआ? ये नहीं, वो है आपकी कॉटेज। लेकिन आपने तो कहा था कि ये है मेरा कॉटेज। जी हाँ, कहा था। जी लड़की, कभी ये कॉटेज बताती है, कभी वो कॉटेज बताती है। जाइए जाइए, थाट से अंदर जाइए। थैंक यू। टाटा। भेज दिया था, क्या बैर हो सकता है मुझसे उसका। हनुमान सिंह नाम है मेरा,
दोनों की हड्डी पतली तोड़ के एक कर दूंगा। लेकिन सुनिए तो, चुप रहो। पर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, तुम फजूल शक करो मुझ पे। हाँ हाँ फजूल शक करता हूँ, हमेशा मुझे छोटे कद का ताना दिया करती थी। बेशर्म बेहया नालायक बदतमीज, आज देखता हूँ तेरे बुढ़े ऊंट को। क्यों बे अपने बालों का घर समझाता, दरवाजे बंद कर। हनुमान सिंह ये चीखो पुकार कैसी, क्या हुआ? होते होते कुछ हो ही चला था, लेकिन इस लफंगे ने दरवाजा बंद किया था कि मैं पहुंच गया। क्या दरवाजा बंद कर दिया बाहर से? भीतर से और खिड़की भी। क्या लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं तो आपको दूसरी कॉटेज में छोड़ के गई थी, फिर यहाँ पर ये दरवाजे खिड़कियाँ। तुम सब जाओ यहाँ से, सुना नहीं, जाओ। जी मैं भी। तुम ठहरो। दीदी आंटी को चिड़ा तुम रहा था, समझो दाव चल गया, पोंगा पंडित की छुट्टी और संस्कृत गॉन। मुझे नौजवानों के चाल चलन पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वक्त आपको भी अपने चाल चलन का यकीन दिलाना होगा मुझे, समझे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जवाब दीजिए, आप इस कॉटेज में कैसे आए? मैंने आपसे कहा ना कि दूसरे कॉटेज के बाथरूम में कोई था। नामुमकिन। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई वहाँ पे। मैं कहती हूँ नामुमकिन, मेरे हुक्म के बिना वहाँ कोई कदम भी नहीं धर सकता। शायद ना धरा हो कदम, मैंने तो सिर्फ हाथ ही देखा था उसका। तो पूरी तरह जांच पड़ताल क्यों नहीं की, यहाँ क्यों चले आए? जी वो यूं कि वो हाथ जनाना था और। और क्या? यानी सिर्फ हाथ ही हाथ था, हाथ पे दर्जी की निशानी तक नहीं। क्या उस तरह का हाथ उस कॉटेज में कैसे दाखिल हुआ? बहुत ही खतरनाक हाथ था देवी जी, इसलिए मैं सरपट भागा वहां से। सनाना हाथ से दूर रहने की आदत है मुझे। सचमुच? जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मुझे औरत जात से ही नफरत है, इसीलिए मैं अब तक कवारा हूं। अपने कॉटेज में जाओ जी, और फिर कभी इस तरफ ना आना। जी। हनुमान सिंह मस्कर, कल सुबह 6:30 बजे इन्हें मेरे पास ले आना, कल आपको सब काम समझा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो औरत जात से ही नफरत है आपको? जी पहलवान जी, औरत जात से ही नफरत है, इसीलिए मैं खिड़की दरवाजे बंद रहे थे। ये मैं तुम्हें कल समझाऊंगा पहलवान जी। जाइए। नमस्ते। 40 सेकंड लेट हो प्रोफेसर जी। मैं जब खुद तुम वक्त के पाबंद नहीं तो बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? जी मैं आइंदा 40 सेकंड जल्दी आ जाया करूंगा। इस घर में तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं साफ साफ सुन लो। दो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्हें घर पर ही पढ़ाओगे। दो छोटे बच्चों को? जी हाँ, पूरे 800 रुपए तनख्वाह दे रही हूँ आपको। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। तो जाइए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हनुमान सिंह गारी, और सुनिए, शाम को मुझे लौटने में शायद देर हो जाए, लेकिन ये लड़कियाँ तब तक कॉलेज से लौट चुकी होंगी, तब उन्हें संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत? पूरे 800 रुपए तनख्वाह दे रही हूँ आपको। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत? जी हाँ। ओफो, कम दीदी लेट्स गो। सुनिए सुनिए, आप लोगों ने कल जानबूझकर क्यों शरारत की मेरे साथ? क्या बैर है आपको मुझसे? आंटी आपको कुछ हुक्म दे गई हैं। जी हाँ जाता हूँ जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, किसी से बैर करने नहीं आया हूँ, सिर्फ हिलमिल के रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हमसे किस तरह से हिलमिल के रहना चाहते हैं आप, संस्कृत पढ़ा के? जी वो तो पढ़ानी होगी, आपकी आंटी का हुक्म जो ठहरा। दीदी
ये हमसे हिलमिल के रहना चाहते हैं। हुक्म के गुलाम है ना आप, जाइए आंटी का हुक्म पूरा कीजिए। कम अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बंटी। बंटी, और तुम्हारा क्या नाम है? तुन्नू। तुन्नू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है जानते हो तुम? हमें पीटने के लिए। पीटने के लिए? किसने कहा ये? बड़ी दीदी ने। बड़ी दीदी कहती है कि पोंगा पंडित अंटी से भी ज्यादा पीटेंगे। पोंगा पंडित? हाँ, वो आपको कहती है पोंगा पंडित। बिल्कुल झूठ बोलती है तुम्हारी दीदी। मैं तुम लोगों को कभी नहीं पीटूंगा। कभी नहीं पीटेंगे? कभी नहीं पीटूंगा बेटा, कभी नहीं। चलो चलो चलो, अपनी किताबें लाओ, देखे तुम लोग क्या क्या सीखे अभी तक। पोंगा पंडित। चाली गुड बॉय, गॉट इट। जयराम जी की पुजारी थी। जयराम जी के बेटा जयराम जी की। जयराम ये स्त्री, आप संस्कृत की किताबें रखते हैं? जी कौन चाहिए? बाण भट्ट, जयदेव, कालिदास। कोई छोटे दास की किताब चाहिए जिससे संस्कृत सीखी जा सके। अच्छा, बाल संस्कृतम। बाल संस्कृतम ये लीजिए, कीमत 1 रुपया। थैंक यू। यहाँ कहीं अच्छे टेलर की दुकान है? जी हाँ, एक दो दुकान छोड़ करके A1 टेलर। थैंक यू। हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू। A1 टेलर। यस। सूर्य का किरण वृक्षमूलम वृक्ष का मूल, वृक्षमूलम वृक्ष का मूल। आंटी की आने का टाइम हो गया, अगर पोंगा पंडित में शामिल हुआ तो ये हमारी मुसीबत हो जाएगी। पोंगा पंडित के लिए ही तो सारा प्रोग्राम बनाया है, किसी ना किसी तरह उसे शामिल करना ही पड़ेगा। तुम पूरी कोशिश करना। अच्छा बालिकाओं, वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से इधर आओ। आ गए प्रोफेसर साहब, हम आ गए। बैठो। कहिए क्या हुक्म है? आज बड़े मीठे ढंग से बात कर रही हो, क्या बात है? आपने कहा था ना कि आप हमसे हिलमिल के रहना चाहते हैं। दिलो जान से चाहता हूँ बालिके, दिलो जान से। प्रोफेसर साहब, इस वक्त संस्कृत पढ़ने का मूड नहीं है। यानी कि मुझे नौकरी से निकलवाने का मूड है तुम लोगों का? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आंटी के आने में तो भी बड़ी देर है, तब तक संस्कृत का मूड बन जाएगा। और अगर मूड नहीं बना तो? आंटी की तरह आप भी शक्के दिमाग के हैं, आपसे हमारी कभी नहीं पटेगी। कैसे रूखे किस्म के इंसान होते हैं ये बूढ़े। ये बूढ़ा बड़े चटपटे किस्म का इंसान है बालिके, यकीन करो। खाक यकीन करें, संस्कृत के सिवाय आपको कुछ सूझता ही नहीं। आपकी जिंदा दीदी की उम्र? बिल्कुल नहीं। तो क्या जवान है आप? शक्ल से ना सही, लेकिन दिल से जरूर हूँ। जिंदा दिली का ताल्लुक दिल से होता है, उम्र से नहीं। नहीं? अच्छा, तो अभी पता चल जाएगा कि उम्र ही से जिंदा दिली है। बूढ़े क्या खाक जिया करते हैं। ये उम्र है क्या रंगीली, ये नजर है
आए हम पर जवानी और दुनिया थी दीवानी। किसके हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। हाय हम पर थी जवानी। जान है जब तक सब कुछ अपना, दिल की बातें सुन लो अब तो, दिल की बातें सुन लो अब तो, आंखों की जुबानी। आए हम पर थी जवानी और दुनिया थी दीवानी। किसके हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। आए हम पर थी जवानी। दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। हमारा भी जमाना था। तो ये सबक पढ़ा रहे हैं आप लड़कियों को? जी मैं, आपने कहा था आपको औरत जात से नफरत है, क्यों? हनुमान सिंह मालकिन, सुबह 7 से पहले प्रोफेसर को स्टेशन पहुंचा दो। स्टेशन? बस बस, सुबह 8 बजे गाड़ी जाती है, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। सुनिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। और तुम जरा अंदर तो चलो। अब मैं तुझे सैनिटोरियम में कैसे रखूंगा मैं? कैसे रखूंगा मैं? बाय बाय प्रोफेसर साहब। आप जा रहे हैं प्रोफेसर साहब? इनके जाने से तुम लोग बहुत खुश हो?
आप नहीं जाएंगे प्रोफेसर साहब। ये लड़कियां आपसे जितनी नफरत करेंगी उतनी ही ज्यादा तनख्वाह मिलेगी आपको। तुम लोग जाओ, कॉलेज जाने की तैयारी करो। हरिया, प्रोफेसर साहब का सामान कॉटेज में ले जाओ। आप जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अजीब बुढ़िया, कभी निकालती है कभी रखती। अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे आप यहाँ। क्यों मुझसे बैर करने पे तुली हैं आप? अभी से घबरा गए? बहुत हंसती हैं आप। ये तो कुछ भी नहीं, जिस दिन आप और भी ज्यादा बेआबरू होकर निकलेंगे उस दिन जी भर के हंसूंगी मैं। वो दिन जब आएगा तब आएगा, उससे पहले एक दिन बहुत रोएंगी आप। मुझे रुलाने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा चना, देख लीजिएगा कौन रोता है एक दिन, मैं या आप। देख लेंगे देख लेंगे। डालो और डालो। सलाद की प्याज काट रही है या बैंगन? और बारीक काटो। ये आपको बनना सिखाते हैं। कम पक कहीं के अच्छी भली बंबई में कॉलेज में पढ़ती थी, फंस के यहाँ आ गए तो अब भी क्या बिगड़ा है। यहाँ किसी कॉलेज में दाखिल हो जाने, वर्मन माँ बाप के साथ गया मरती। अब कॉलेज का नाम लिया तो शहीदों में नाम लिखाना पड़ेगा। एक जला बैठा सब। तुम नहीं जा सकती। मुझे छुट्टी है फूलदानी, पिता को छुट्टी होने में अभी देर है, मैं जब तक लौट आऊंगी। लौट आऊंगी तुम नहीं जा सकती। आंटी को पता चल गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी अपना? फूलदानी, कर्नल साहब का बटलर कोमल, अगर मैंने आंटी को बता दिया तो? फिक्र ना करो मैं जल्दी लौट आऊंगी। कमल कमल, टेलर मास्टर साहब मेरा कोट तैयार। यस सर। थोड़ा सा काम बाकी। बड़ा ही अजीब कोट आपने बनवाया है साहब, दोनों तरफ पहनिएगा क्या? जी हाँ, एक तरफ जवानी के लिए और दूसरी तरफ बुढ़ापे के लिए। जी जी, कोई एतराज है आपको? जी नहीं जी, मैं ट्रायल ले सकता हूँ? जरूर जरूर, आइए आइए। यहाँ पर से तंग है ये जींस और कमर पर से ढीली, क्या बना दिया है? वो सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें मिस नीना। क्या फिक्र ना करूं, बार बार चक्कर लगाने पर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। अब ख्याल रखिएगा। वो सब ठीक हो जाएगा मिस नीना। कब तक ठीक कर देंगे आप इसे? बस दो दिन में। तो ठीक है, बुध को 2 बजे आऊंगी मैं इसे लेने। वेरी वेल मैडम। साहब कोट आपने बहुत अच्छा बनाया है, सिर्फ इसकी लंबाई जरा कम कर दीजिए। इतने करीब? बिल्कुल कर दूंगा। मैं भी बुधवार को आऊंगा 2 बजे के करीब। वेरी वेल सर। टेलर मास्टर, इधर आना जरा। यस मैडम। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? दुपट्टा? हाँ, जींस पहनते वक्त यही अंदर तो उतारा था मैंने, कहाँ गया? मैं कहती हूँ ऐसे लफंगे लोगों को तुम अपने आने ही क्यों देते हो? वो अपना कोट लेने जरूर आएगा, तब मैं। तब को मारो गोली, मुझे भी अपना दुपट्टा चाहिए। ऐसी हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? एक तरकीब, कमीज का कपड़ा। ए मिस्टर। मैं? हाँ तुम। ये तुम्हारे गले में क्या है? रस है मैम साहब, रस। तानसेन हिरनियों को खींच लाते थे, मैं हसीनों को खींच लाता हूँ अपने करीब। मैं इस दुपट्टे के बारे में पूछ रही हूँ, मेरा दुपट्टा मालूम होता है।
शायद बड़ा ही आशिक मिजाज है कमबख्त। देखिए मेरे कोट के साथ लिपटा हुआ चला है। तुम सीधी तरह से मैं दुपट्टा देते हो या मैं बुलाऊं पुलिस को? बुलाई, जरूर बुलाई। पुलिस हम दोनों को थाने ले जाएगी और वहाँ आपको अपना नाम और पता लिखवाना पड़ेगा और फिर आपके घर वालों को खबर हो जाएगी कि ये टेलर शॉप में आप। नहीं नहीं। क्यों घबरा क्यों नहीं? वो अगर मैंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया तो वो आपको हवालात में बंद कर देंगे। अचानक मेरे लिए बहुत ही दर्द उमड़ा है आपके दिल में। कहीं बदतमीज। कुछ भी कहिए, अब तो पुलिस दिलवाएगी आपको ये दुपट्टा। जी सुनो सुनो, तरस खाओ मुझ पे। मैं बिना दुपट्टे के घर गई तो घर वाले क्या कहेंगे? कहेंगे वहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ दो चार थप्पड़ लगाकर आपके ये गुलाबी गाल सुर्ख कर देंगे। मेरा दुपट्टा वापस कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बाबा। सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा मेम साहब, आंखों में आंसू छलकाकर आपको गिड़गड़ाना होगा मेरे आगे। इंसान नहीं जानवर हो तुम, मुझे थप्पड़ खाना मंजूर है लेकिन तुम्हारे आगे कभी ना गिड़गड़ाऊंगी मैं, कभी नहीं। ए, नहीं रोए। सुनिए। क्या है? एक और शर्त में वो दुपट्टा आपको वापस कर सकता हूँ। आपको दुपट्टे की रसीद देनी होगी। रसीद? जी हाँ, अपने नाम की। क्या नाम है आपका? विमला। ओह तो लिखिए झटपट, लिखिए लिखिए। प्रीतम। प्री? चौंके नहीं, मेरा नाम है। लिखिए लिखिए। क्या देख रही हैं आप? तुम्हारी शक्ल को जानी पहचानी सी, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी जरूर देखा है। कहाँ? सपनों में। आगे क्या लिखना है? अगर आज तुम मेरा दुपट्टा वापस ना करते तो जानते हो मुझ पे क्या गुजरती। जानते हो मुझ पर क्या गुजरती? नीचे अपना नाम लिख दो। लिख दीजिए। आपकी? आपकी विमला। जी नहीं, नीना। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? टेल मास्टर से सुना था, आपको नीना कहकर पुकारा था। लिखिए 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 लिखिए। थैंक यू। ये रही दुपट्टे की रिसीट, ये रही आपकी कॉपी, ये रहा मेरा पेन और ये रहा आपका दुपट्टा। ये आपने टेल मास्टर से लिया, मैं उसे वापस कर दूंगा। कहीं लौट रही हो बालिके? अगर आपको घर चलना है तो जल्दी आइए। किंतु इतनी जल्दी भी क्या है? चलो ड्राइवर। बालिके बालिके, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है बुढ़ापे में? चलो ड्राइवर। नीचे उतरो। 20 मिनट लेट हो, ये देर कैसे हुई? जी बेबी नीना। क्या किया इसने? कहाँ गई थी ये? फूल रानी, जवाब दे मुझे। जी जी कहीं नहीं, कहीं नहीं। सच सच बता वरना खाल खींच लूंगी तेरी। लड़की ने जरूर आज कुछ हुआ है। जी हाँ हुआ है। क्या हुआ है? आप ही क्यों नहीं बता देती? हु? जी मैं आंटी जी दरअसल मेरी वजह से इन सबको देर हुई। दोपहर को शहर गया था, सोचा वापसी में गाड़ी में लिफ्ट ले लूं। बूढ़ा आदमी जो ठहरा, रास्ते में एक दो चीजें खरीदने के लिए मैंने गाड़ी को रोका भी। आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर कदम पे अपनी ही वजह से देर हुई है, कसम ले लीजिए। आइंदा कभी इस तरह देर न कराइएगा इन्हें। आप नहीं जानते कैसे कैसे ख्यालात आते हैं मेरे दिमाग में। जल्लाद कहेंगी। शायद आप इन्हें गलत समझ रही हैं। माना कि इनका बर्ताव बड़ा सख्त है लेकिन ये सख्ती शायद मोहब्बत की वजह से हो। मोहब्बत?
आंटी को और हमसे? देखा नहीं आपने, आप लोग 30 मिनट नहीं लौटी तो कितनी परेशान हो गई वो। आपके सिवाय इस दुनिया में और है ही कौन उनका? शायद आप ही के लिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उन जैसे डिक्टेटर से शादी करता ही कौन? मर्द हमेशा उनके साए से भी दूर रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पढ़ी लिखी है, दौलतमंद है, जवानी में खूबसूरत भी रही होंगी, चाहती तो आसानी से शादी कर लेती, लेकिन अगर कर लेती तो आप लोगों की देखभाल कौन करता? हमारी देखभाल सिर्फ 6 महीने से कर रही है वो, समझे आप? 6 महीने से? जी हाँ, 6 महीने पहले हमारे माँ बाप जिंदा थे, हम उनके साथ इस नरक से बहुत दूर थे। आप आंटी की चमचागिरी कीजिए लेकिन हमारे सामने नहीं, हम उनसे नफरत करते हैं और आपसे भी। शुक्रिया। बड़ाया पोंगा पंडित, उसका ख्याल है कि वो आंटी को समझता है, कल ही समझ जाएगा। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया फुलरानी? वही तुम दोनों के लिए, फ्राइड टमाटर, सलाद की पत्तियां एंड बार्ली वाटर। बार्ली वाटर? यस। जब देखो तब जौ का पानी और ये कड़वी घास, हमें इंसानी जानवर। बस करो, पूरा भर दो। लेकिन आंटी मैं ये सब कैसे? सब पीना पड़ेगा, एक बूंद नहीं छोड़ सकोगी, समझी? तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें जौ का पानी पसंद नहीं, गरम और तेज खाने पसंद है। गरम और तेज खाने तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद है, 2 दिन के लिए हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई थी और मेरे भाई को ऐसा फांसा कि सारे खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी की उसने। जो माँ इस दुनिया में नहीं उसे बुरा भला ना कहिए आंटी। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर जा रही हो, इस तेजी का मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगी। आंटी खामोश, क्या कहना चाहती हो? वो क्या? वो उनका ख्याल है आप बड़ी खूबसूरत हैं, उन्हें आपकी शक्लो सूरत अच्छी लगती है। क्या? जी हाँ, उस दिन कहा कि जवानी में आप बड़ी खूबसूरत रही। उसकी ये हिम्मत, मैं उसे कौन है वो, मर्द या औरत? मर्द, प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर प्रेमा, प्रोफेसर को फौरन बुलाओ, फौरन। आज पोंगा पंडित की छुट्टी, जल्दी खाओ, कॉलेज का वक्त हो रहा है। चूल्हे में जाइए खाना, हमें भूखा रहना पसंद है। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी ये हिम्मत? जी। तुम्हें मेरी शक्ल सूरत अच्छी लगती है, क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। तो क्या वो लड़कियां झूठ बोलती हैं? तुमने उनसे कहा है कि मैं जवानी में खूबसूरत थी? जी, बात ये थी कि उस वक्त मैं उन्हें समझा रहा था। जवानी और खूबसूरती की बातें, ये गंदी बातें समझा रहे थे तुम उनको? जी नहीं, मैं समझा रहा था कि आप उन्हें कितना चाहती हैं। लेकिन उसमें मेरी खूबसूरती का जिक्र कैसे आया? जी, उन्हें समझाते हुए कहना पड़ा कि आप जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी, चाहती तो अच्छी से अच्छी जगह शादी कर सकती थी, और अगर आप शादी कर लेती तो आज माँ की जगह लेकर उन लड़कियों को कौन पालता? उस औरत का नाम ना लो मेरे सामने, माँ की नहीं बाप की जगह ली है मैंने। जी गलती हुई मुझसे, बाप ही की जगह ले सकती हैं आप। बैठिए। शुक्रिया। उन लड़कियों ने जरूर मुझे बुरा भला कहा होगा, शायद इसीलिए आप समझा रहे थे उन्हें। जी नहीं, उन लड़कियों ने तो कुछ नहीं कहा, मैं यूं ही समझाने लगा। यूं ही क्या? बस आपकी तारीफ करने को जी चाहा इसीलिए। बैठे बिठाए मेरी तारीफ करने के जी क्यों चाहा आपका? न जाने क्यों बस चाहने लगा। आइंदा मेरी तारीफ करने को जीना चाहे आपका, समझे? जी बिल्कुल, जिंदगी भर तारीफ नहीं करूंगा, अब जाऊं, बच्चों को पढ़ाना। जाइए। सुनिए,
वैसे जी चाहे तो कीजिए तारीफ, लेकिन वो खूबसूरती जवानी वाली बातें, समझ गए ना? जी समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये सब क्या हो रहा है? अपनी किताबें ले क्यों नहीं बैठे तुम लोग? प्रोफेसर साहब, आज आपको छुट्टी मिल गई ना? छुट्टी? आपको छुट्टी तो हमको भी छुट्टी। कैसी छुट्टी? बड़ी दीदी कहती थी आज पुंगा पंडित को छुट्टी मिल जाएगी। तो मेरी छुट्टी कराने के लिए वो गुल खिलाया मेम साहब ने। अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, किताबें निकालो, पढ़ो पढ़ो। पूंगा पंडित कहती है मुझे। मेरी जींस ठीक कर दी आपने? आपकी मर्जी के मुताबिक मैडम, नूर मेम साहब की जींस केबिन में पहुंचा दो, ट्रायल लीजिए, खुश हो जाएंगी आप। ऐसा आप, उस दिन आपने अजीब हरकत की। ये रहा आपका कपड़ा। कपड़ा? ये तो मैंने उन मेम साहब को दिया था। और उन मेम साहब ने मुझे दिया। अब तो समझ गए ना तुम हमारा रिश्ता? समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। वो कोर्ट तैयार है आपका। सुनो जी, नीना डियर, हेलो। तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। तुम्हारी ये हिम्मत? शांति शांति, ये चिट्ठी आपके घर वालों तक पहुंच जाए ये तो अपना चाहती होंगी। तो इधर आइए, आइए। तो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सर, ये रहा आपका कोट और ये चेंज। थैंक यू वेरी मच। वो दूसरा बंडल जल्दी से तैयार कर लो, अभी लाए। क्या चाहते हो तुम? आपका मधुर साथ चाहता हूं। क्या मतलब? फिलहाल जीवन भर का साथ नहीं चाहता, सिर्फ पल भर का। इस दुकान से बाहर तक आप मेरे साथ चलेंगी? हरगिज नहीं। जाएंगी तो जरूर। मैं कहती हूँ शांति शांति। ये आपका दूसरा बंडल। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। और डियर कम। कुछ ख्याल ना करना टेलर मास्टर साहब, हमारा तो ये सिलसिला पिछले जन्म से है। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। मेरे कपड़े? मेरे कपड़े कहाँ गए? ये जा रहे हैं। मैं बंडल देती हूँ या नहीं? रोइए, गिड़गिड़ाइए, शायद मिल जाए। मैं गिड़गिड़ाऊं? तुम्हारा सर? सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, बात तो जब है ये फरमाइश प्यार से। अच्छा मैं सही, बाय बाय। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के Thank you.
जहां कहीं आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे सफल, हमको भी जाए तो क्या है फिकर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली साहब, अपनी नाजुक उंगलियों को बेकार तकलीफ दे रही हैं आप। असली खत तो ये है। बाय 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 बाय। सारी बत्तियां जला दो। लासू अमल, लासू। अब तुम जाओ। आपने मुझे याद किया। क्या, मैं क्यों तुम्हें याद करने लगी? मेरा मतलब है कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, बैठिए ना। आप यहाँ अच्छे तो हैं? जी बिल्कुल। मैं कल सवेरे बाहर जा रही हूँ। जी। आप वहाँ नीचे कुछ पढ़ रहे हैं क्या? जी नहीं, यूं ही। देखिए, मैं क्या कह रही थी? मैं कि आप कल बाहर जा रही हैं। हाँ, नीना के पिता यानी कि मेरे भाई प्लेन एक्सीडेंट में अपनी पत्नी के साथ खत्म हो गए। बंबई में रहते थे वो, वहां उनकी काफी जायदाद है जो इन बच्चों के नाम करानी है, लेकिन उसमें कुछ कानूनी झगड़े हैं। जी। उसी सिलसिले में एक बड़े वकील से मिलने में बाहर जा रही हूँ, शायद एक दो दिन लग जाए। मेरा ख्याल है मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, ये तो खुशकिस्मती है मेरी। उन लड़कियों पे नजर रखिएगा, कड़ी नजर। बिल्कुल कड़ी साहब, बिल्कुल। अब जाओ। अच्छा, देखिए
मेरे बारे में यानी कुछ वर्ष पहले मैं कैसी थी उस बात का जिक्र लड़कियों से बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। उस बारे में खुद भी न सोचिएगा। जी जी माँ जी, इतने रुपए खुले पड़े हैं? अरे मेरे बेटे ने भेजे हैं, पूरे 300 है। वो बहुत बड़ी तनख्वाह लेता है अब तो। सोचो तो जरा, मैं ठहरी बुढ़िया, इतने ढेर सारे रुपए कहाँ खर्च करूंगी भला? पर वो भेजे बिना नहीं मानता, बहुत प्यार करता है मुझे, बहुत। और लिखा है जैसे ही छुट्टी मिली फौरन आएगा। जी हाँ, और रुपए तो रखिए ना। अरे रखती हूँ ना, लाखों में एक है मेरा बेटा, जी चाहता है बस दिन रात देखते ही रहो। बड़े सुंदर है क्या? अरे आया तो था यहाँ मुझे छोड़ने, तब शायद तूने उसे नहीं देखा। जी नहीं। ठहर, मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देख, क्यों सुंदर है ना? जी जी हाँ, बहुत बहुत। हनुमान सिंह जी, सब कागजात ले लिए? जा जा जा। जरा इनका ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, बाली के विद्यालय से छुट्टी है, विद्या से नहीं। चलिए संस्कृत पढ़िए। अच्छा, मैम साहब, हम दोनों को एक ही डोर से बांधना चाहती है। बांधो बांधो, शौक से बांधो। एक गुल बदन, एक गुल बदन, ये बंधने बंधाने का क्या जिक्र है? रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। आपकी तारीफ? ये मैं नहीं जानती इन्हें। ऐसा अच्छा मजाक कर लेती हैं जी। दरअसल इन्होंने ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलवाया। पढ़िए पढ़िए। नहीं, अब तो यकीन आया आप लोगों को? अच्छा तो ये बात है, कुछ सब्जी बन जाओ। जीती रहो जीती रहो। खा सब्जी तुम लोग, दरअसल ये आदमी बताओ ना दीदी कौन है ये, यहाँ क्यों बुलाया तुमने इन्हें? इसलिए कि इन्हें इश्क हो गया। क्या? मुझसे नहीं, मेरे गाने से। अच्छा तो तानसेन दावा भी है हुजूर को, तो शुरू हो जाइए साहब, फौरन शुरू हो जाइए। फौरन शुरू हो गया? कहिए गले से गाऊं या दिल से? अपने सर से। लीजिए। हरे लागा दुल्हनिया का धक्का पलम कलकत्ता निकल गुलबदन, ये साहब यहाँ से गुल होने का क्या लेंगे? गुल तो ये हो नहीं सकते, हाँ कांटा जरूर। जी क्या? तुम्हारा सर। फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ए गुलबदन, ए गुलबदन, फूलों की महक
कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आए भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई, क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। नीना, इससे पहले भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर तुम कभी ना रोई, लेकिन आज आज से पहले तुम इतना परेशान कभी भी ना कर सके मुझे, लेकिन आज आज तुम रोई हो। सोचा था जब तुम रोओगी बड़ी खुशी होगी मुझे, लेकिन आज आज
तुम्हारे आंसू देखकर एक बोझ सा है मेरे दिल में। तो भी बता दो ना, कौन हो तुम? आज सिर्फ इतना कह सकता हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं। सुनिए, ये गेंद मेरा है। यहाँ कैसे आया? उड़ के, क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। तो संभाल के क्यों नहीं खेलते? बाल बाल बच गया मेरा सर, टूट जाता तो? ये नहीं, टूट ही नहीं सकता, बड़ा मजबूत गेंद है वो। अच्छा, जरा देखूं तो इसकी मजबूती। थैंक यू। अरे अरे सांप, सांप! कहाँ कहाँ? अरे बाप रे, सचमुच बड़ा मजबूत गेंद है, बिल्कुल नहीं टूटा। मान गए देवी जी आपको, लाइए गेंद वापस कर दिए। लड़कियों से रिझने का नतीजा तो मालूम हो गया ना आपको? जी हाँ, मगर चोट खाने के बाद अब गेंद तो क्या, गेंद का साया भी यहाँ तक नहीं आएगा। लाइए गेंद वापस कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। रीटा! अरे आंटी! कौन था वो मर? आंटी वो बेहया लड़की, दिन दहाड़े वो मर तुम्हारा हाथ थामे खड़ा था। आंटी मैं उसका गेंद वापस कर रही थी, फसूस चक्कर में। मैं खूब समझती हूँ आजकल की लड़कियों को, जरा नजर हटाई नहीं कि लगी दिखाने अपने लक्षण। और आप, मैं आपसे कह गई थी कि लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखना, फिर वो मर्द यहाँ कैसे आया? रीटा ने ठीक ही कहा था, उसका क्रिकेट बॉल यहाँ आ पड़ा था। वो बॉल एक बहाना था, वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे आप इतनी दूर खड़े खड़े कैसे जान सकते हैं? मैं जानता हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। रीटा एक भली लड़की है, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाए, बात बात पर शक किया जाए तो अच्छी भली लड़कियां भी बिगड़ सकती है। सिर्फ प्यार और नरमी से ही बच्चों। चुप रहिए, आप हंसते बड़े जा रहे हैं, हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? तुमने आंटी आई? फूल रानी। जी आई मालकिन। दो दिन तक रीता का खाना पीना बंद, 24 घंटे उसे कमरे में बंद रखो, समझी? खाना पीना बिल्कुल बंद। थैंक यू प्रोफेसर साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मारी डालेंगी क्या? अब हट जाइए बीच में से, मैं इस नमक हराम की खाल खींच लूंगी। मेरे हुक्म के खिलाफ खाना ले जा रहा था बहन के लिए, इतनी सी उम्र में मुझसे धोखेबाजी करता है। धोखेबाजी नहीं तो क्या, प्यार करेगा? एक जल्लाद के साथ कोई प्यार करता? जल्लाद? तुमने मुझे जल्लाद कहा? जी हाँ, जल्लाद कहा। एक मासूम बच्चे को जो इतनी बेरहमी से पीटे, वो जल्लाद नहीं तो और क्या है? निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। चीखिए मत। जाता हूँ, मगर याद रखिए, सिर्फ प्यार और नरमी से आप बच्चों को अपना फर्मा बरदार बना सकती, सुलुम से कभी ना बना सकेंगे, कभी ना। जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी, चाहती तो अच्छी से अच्छी जगह शादी कर सकती थी। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सच के सच का, प्रेम नगर
इधर आइए जी। आपने मुझे क्या समझ रखा है? अंदर आइए, आपसे मुझे बात करनी है। अंदर आइए जी। जी आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया जी। आपने मुझे जल्लाद कहा, क्यों? आप मुझे बहुत बुरी समझते हैं ना? मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। शायद मेरा मतलब अब जो आप मुझे समझते हैं गलत है। पहले आप मुझे ठीक समझते थे। कब? उस दिन जब आपका मन चाहता कि मेरी तारीफ करे, उस दिन ठीक समझा था आपने मुझे। शायद क्या? मैं कहती हूँ आप मुझे वही क्यों नहीं समझते? मैं जल्लाद नहीं, समझे आप, मैं जल्लाद नहीं। अगर आपने मुझे जल्लाद समझा तो मैं सीता देवी, मैंने तो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। कल आपको बंबई जाना होगा। क्या? बंबई? हाँ, वहाँ नीना के नाम जो जायदाद करानी है उसी सिलसिले में वकील वगैरह से मिलना है। बड़े भरोसे का काम है। आप ही ने कहा था ना कि मैं आप पर भरोसा करूं, तो ये खुशकिस्मती है आपकी जी। तो फिर कल ही जाइए, बड़ा जरूरी काम है। कुछ दिन बाद हम भी आएंगे वहां। आप जाएंगे ना? जी जाऊंगा। नॉर्मल माँ अच्छी हो गई, मैं फिर से जवान हो सकता हूँ। जवान? तो आप क्या अभी बूढ़े हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है कि माँ की फिक्र में जवानी में ही बूढ़ा बना दिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं? घबराने की कोई बात नहीं, पहले से बहुत बेहतर है, कुछ दिनों में बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। हैं? अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। प्रीतम ये क्या है? माँ वो वहां मुझे नाटक खेलना पड़ता है माँ, उसके लिए नकली दाढ़ी खरीदी। तू वहाँ बच्चों को पढ़ाने गया है या नाटक खेलने? ये तो मुसीबत है माँ, पढ़ाने के साथ साथ मुझे नाटक भी खेलना पड़ता है। तू जल्दी से ठीक हो जा माँ, मैं फौरन नाटक खेलना बंद कर दूंगा, भले ही नौकरी चली जाए। ऐसा ना कहे बेटा, बड़ी मुश्किल से तुझे ये नौकरी मिली है। तू मेरी बिल्कुल फिक्र न कर, अपने कामकाज में दिल लगा। वहाँ दिल तो मैंने लगा लिया है, मगर वो नाटक खेलना मुझे पसंद नहीं माँ। कॉलेज में तो बड़ी लगन से नाटक खेला करता था, अब क्यों पसंद नहीं? यही तो मुसीबत है माँ, वहाँ दिल लगने के बाद भी वो नाटक खेलने को मेरा दिल नहीं मानता। खैर, बंबई जाकर कोई तरकीब निकालूंगा। बाल चाल जलवा मेरे से लाए, हमारे साथ चलना हुआ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा उड़ान आया था। नटी बॉय। मालती। रमेश भैया तुम इधर कैसे? पिताजी आज कलकत्ते जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए। समझी, मामा जी कलकत्ता गए और आपके लिए मैदान था, तब तो जरूर कोई पार्टी जमेगी। हाँ, कल ही बहुत बड़ी पार्टी। बहुत बड़ी पार्टी इन्हें देखने के बाद हुई है या पहले से? जी जी मैं नहीं आ सकूंगी। घबराओ नहीं गोरी, लड़कियों के मामले में जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं ये। पार्टी दिन में होगी, आइए ना। जी नहीं। आंटी का डर? मुझे आंटी का कोई डर नहीं, फिर भी मैं नहीं आ सकूंगी। मालती आपके साथ होगी, फिर क्यों इनकार? जरूर आंटी से डरती हैं आप। मैंने कहा ना मैं आंटी से नहीं डरती, मैं कल जरूर आऊंगी। टाटा रमेश भैया, कल मिलेंगे। मैं चलूँ अब? जल्दी जल्दी
दो घंटे हो गए यहाँ। बड़ा जालिम था। कौन? जिसने घड़ी बनाई। उससे भी जालिम था कोई और। कौन? जिसने फर्श बनाया। उससे भी जालिम था कोई और। कौन? जिसने दिल बनाया। फिर कब मिलोगी? अब नहीं। आंटी का डर है? जी नहीं। जरूर है, जब ही तो मिलने से इनकार कर रही हो। मैं कहती हूँ मुझे आंटी का कोई डर नहीं, मैं कल ही तुमसे मिलूंगी। नीना, कौन है ये लोग? आंटी, लूना, विनोद, दिक्या। मैं पूछती हूँ ये लोग यहाँ आए कैसे? Easy, old lady, easy. बदतमीज। Is her blood pressure all right, नीना? मैडम, बात दरअसल ये है कि हम सब नीना के बहुत पुराने दोस्त हैं। नीना ने यहाँ आने का हमें लेटर भी लिखा था। आप दोनों को हमारे साथ ही ठहरना होगा। ठहरना तो एक तरफ रहा, तुम लोग नीना से मिल भी ना सकोगी, समझे? लेकिन आंटी, आपने शायद मुझे तो ना पहचाना होगा। मुझसे बात करो, क्या चाहते हो तुम? जी चाहता हूँ इन्हें। क्या? और आपको भी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलें। मगर तुम हो कौन? मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा। और शायद आपने मुझे कहीं पहले। मुझसे बात करो। जी मेरा मतलब है कि आप लोगों ने मुझे कहीं भी नहीं देखा है। मेरे चाचा जी को देखा है, प्रोफेसर साहब होटल में बीमार पड़े। बीमार पड़े हैं? जी। क्या बीमारी है? जी घबराहट की बीमारी है। देखिए ना, आप इधर आई हैं, उधर कपकपी शुरू हो गई है, सामान आने में देर है। चलिए चल के चाय पी। चलिए, पहले तो कभी नहीं मिले, फिर हमें पहचान कैसे लिया तुमने? जी चाचा ने बताया था कि प्लेन से दो देवियां अकेली आएंगी, बाकी जितनी देवियां आई उनके साथ देवता भी थे। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे चाचा से बहुत मिलती है। जी बिल्कुल, फर्क सिर्फ दाढ़ी का है। चलिए मैं बिल देके आता हूँ। ये रहा आपका कमरा, कौन सामान रख दो। चलिए। प्रोफेसर साहब का कमरा कौन सा है? ये सात वाला कमरा, नंबर 48। आप लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम कीजिए। नहीं, पहले मैं उन्हें देख लूं। देखिए रात भर तड़पते रहे वो लोटन कबूतर की तरह, सवेरे सवेरे आंख लगी है, सोने दीजिए उन्हें। दो घंटे से तो तुम हमारे साथ हो, शायद जाग गए हो अब तक। जी नहीं, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूँ, वो जाग ही नहीं सकते। पर देख लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा था ना आपसे, बेचारे रात भर तड़पते रहे लोटन कबूतर की तरह। आइए चलिए जाग जाएंगे। आइए आइए। आप लोग अपने कमरे में जाकर अपना सामान वगैरह जमाइए, जब तक मैं टी और बिस्किट्स भिजवाता हूँ। आओ नीना। ठीक है साहब, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये लो, अब वो दूसरा काम समझ गए ना? यस सर, जल्दी जल्दी जल्दी। Hello, hey, give me room 47, please.
हेलो सीता देवी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी मैं, हाँ अभी अभी जागा हूँ। वो मेरा नौजवान भतीजा है ना प्रीतम, बड़ा ही पाजी है। इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि मेरी आंख ही खुल गई। प्रीतम ने तो आपको बताया ही होगा, जैसे ही मैं यहाँ पहुंची फौरन आपको देखने आई थी कमरे में। जी हाँ, उसी से पता चला कि आप लोग पहुंच गए हैं। सफर में कोई अरे बाप रे, हाय क्या हुआ ओए, करवट बालिके, करवट बदलने लगा के फोन छूट गया हाथ से। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? संभलने लगी है बालिके, अब संभलने लगी है। क्या हुआ था प्रोफेसर साहब, आपने बात बीच में ही? जी हाँ, जैसे ही ये आई फोन हाथ से फिसल गया। ओह, आपका भतीजा कहाँ है? नीचे भेज दिया है मैंने उसे, नौजवान है ना, समझी ना आप। जी हाँ जी हाँ, अच्छा ही किया आपने। वैसे लड़का बड़ा शरीफ है, मैं तो यहाँ आते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मदद की उसने मेरी। कोर्ट जाना, वकील से मिलना, सारा काम किया है उस नौजवान ने। अच्छा, पर अचानक क्या बीमारी हो गई आपको? मियादी बुखार मालूम होता है, टाइम पूरा होते ही उतर जाएगा। आप फिक्र ना कीजिए, जल्दी जाकर तैयार हो जाइए। प्रीतम ने बताया है 11:30 बजे कोर्ट पहुंचना है आप लोगों को। उसके लिए तो अभी वक्त है। सामान वगैरह भी तो खोलना है आप लोगों ने। वो तो नीना कर लेगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, कोई ना कोई आपके पास भी तो होना चाहिए। जाओ नीना, तुम सामान लगा। हाय हाय हाय, क्या हो रहा है आपको? कब 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 कभी हो रही है? चाहिए मैं कंबल लपेट देती हूँ। जी नहीं, चुपचाप पड़े रहिए आप। मर गया, ओ मारा गया, मारा गया, आई मर गया। ओए ओए, हुआ क्या? आज गया काम से। ओए ओए ओए, चाय चाय चाय, जल्दी से चाय बना दीजिए। ओए हाय, बच गया, बाल बाल बच गया। लीजिए चाय। जी नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ, अपना काम करो, जो करना है फौरन करो। हाय, पी भी लीजिए। ना ना, अब रहने दीजिए, वैसे भी गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। ओहो, आपको तो पसीने छूट रहे हैं, लाइए मैं पोंछ देती हूं। ना ना ना, डॉक्टर ने कहा जितना पसीना निकले उतना ही अच्छा है। मेरे पोंछने से पसीना निकलना तो बंद नहीं हो जाएगा, लाइए मैं पोंछती हूं। ओए 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 ओए, अब क्या हो गया? कपकपी, फिर से कपकपी शुरू हो गई। ओए ओए, हेलो, आपका टेलीफोन। लाइए लाइए। हेलो, हाँ प्रीतम बेटे, कहाँ से बोल रहा है तू? हम सब प्रोग्राम ठीक जाते हैं ना? अच्छा, आप लोगों को कोर्ट फौरन पहुंचना है। लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर? हाँ, कोई पास होता तो अच्छा ही था। देखिए, आज कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट दाखिल करना है, नीना अकेली भी जा सकती है। यानी हम दोनों को जाने की जरूरत नहीं? जी नहीं, दोनों में से कोई भी एक जा सकता है, और फिर नीना को कोई तकलीफ नहीं होगी।
प्रीतम जो साथ रहेगा। प्रीतम जी नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मैं भी चलती हूँ आंटी। तुम यहीं रहो प्रोफेसर साहब के पास। जल्दी जाइएगा, कोर्ट का वक्त हो गया है, प्रीतम नीचे आ चुका होगा। मुंह क्यों फुला लिया पालिक के? प्रीतम के साथ जाने नहीं मिला इसलिए? जी नहीं तो आपके प्रीतम से मुझे क्या? तो फिर चाह देख पालिके, शायद तेरे कमरे का फोन बज रहा है। चैंग, शाबाश चैंग, शाबाश। अब देख मेरे टेलीफोन का नंबर उनके टेलीफोन नंबर से मिला दे। हेलो, यस, किससे बात करना चाहते हैं आप? हेलो पिकल्स, आई से स्वीटी पाच। कौन? विनोद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? जुकाम डियर, जुकाम। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बुढ़िया की बातों का हम लोगों ने कोई बुरा नहीं माना। देखो हम लोग सेंट्रल पार्क पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फौरन चलियो। मैं नहीं आ सकती विनोद। ओह नो, आंटी तो बाहर गई हैं, लेकिन कोई और भी है यहाँ पर। प्रोफेसर, बूढ़ा बीमार है, नींद की गोली खिला दो बूढ़े को और खिसक आओ वहां से। नो नो, तुम्हें आना ही पड़ेगा, हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइंग डॉग लपदिश्ती लावा आने दो, आने दो। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। क्या है बालिके? विनोद का टेलीफोन था वो। विनोद का? जी हाँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा एक जगह इंतजार कर रहे हैं, मैं मिल रहा हूँ उनसे। मैं बहुत जल्द लौटूंगी प्रोफेसर साहब, प्लीज, मेरे बचपन के साथी हैं वो सब। अच्छा बालिके, अच्छा, पर इस दाढ़ी की लाज रख लेना जरा, फौरन जा और तुरंत लौटा। ड्रेस चेंज करके दो मिनट में चली मैं। सुन, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दरवाजे पर लगा देना जरा, बड़ी नींद आ रही है। आंटी 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 जान से खा जाएगी मुझे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? मैं पेट पूजा करने गया। जी हाँ, चलिए जल्दी। वकील साहब। हेलो मिस्टर प्रीतम। हेलो, आप ही सीता देवी? हाउ डू डू, हाउ इज योर अंकल? अभी जिंदा है। ओह मिस्टर प्रीतम, आप एफिडेविट तो साथ लाए हैं ना? जी हाँ बिल्कुल लाया। अरे वो तो मैं घर ही छोड़ा हूँ। गजब किया साहब आपने, अरे आज तो फाइल करना बहुत जरूरी है। कोर्ट तो अभी काफी देर तक बैठेगी ना, आप आराम कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। आराम कीजिए, आप इनका ख्याल कीजिएगा, मैं अभी आया हूँ। नीना, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। तो क्या आंटी होटल लौट गई? उन्हें मैं कोर्ट में जाम कराया हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारे चाचा जी से पूछ कर आई हूँ। लेकिन आंटी को तुम मेरे बारे में कुछ बताओगे तो नहीं ना? फिलहाल तो यही इरादा है। बता दोगे? देखो
अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे चाचा फौरन नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि बुढ़ाऊ बहुत जल्द इस मुसीबत से आजाद हो जाए। क्या अगर आंटी ने मुझे भी घर से निकाल दिया तो मेरा घर हाजिर है। जन्म जन्मांतर के लिए एडवांस बुकिंग कर लीजिए। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होंठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। इसे मेरी बात न समझो, क्या बनता है बात बना के, कुछ कहना था मेरे दिल का, कुछ कहना था मेरे दिल का, जाता हूँ वही दोहरा के। ना हो यकीन तो पढ़ कर देखो आँखों में एक बार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होंठों पे इनकार,
जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एफिडेविट लेकर कोर्ट पहुँचने वाले थे ना? जी गया था, वहाँ पता चला कि आप निकल चुकी हैं, बस आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। आखिर कब तक इंतजार करती तुम्हारा? वकील ने मामला कल पर टाल दिया, इधर लाओ वो कागजात। जी मैं प्रोफेसर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठहरी ठहरी, शिकायत शाम को हो जाएगी। देखिए प्रोफेसर साहब सो रहे हैं। सो रहे हैं? तो फिर नीना कहाँ है? नीना, 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 नीना नहीं है अपने कमरे में। कमरे में नहीं तो फिर प्रोफेसर भी नहीं है, दोनों लापता। लापता है? ओ डॉक्टर, लोटन कबूतर वाला दर्द, उनको डॉक्टर के पास ले गया होगा। किस डॉक्टर के पास? मैं पता लगाता हूँ, आप अपने कमरे में जाके इंतजार कीजिए। नहीं, मैं इसी कमरे में इंतजार करूंगी। इसी में मर गया। जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जी जा रहा हूँ, ये चला। आ गई आप? जी। वक्त से पहले चली आई आप? खड़े रहो। गुड, इधर देखो, ब्यूटीफुल। जो कपड़े पहने हैं उसकी जरूरत नहीं। जी ये पहन लीजिए। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए, आपकी एजेंसी को एक मिनट का एक रुपया दे रहा हूं। आज शाम तक मुझे ये तस्वीर भी खत्म करनी है। ओह, तस्वीर। जाइए बाथरूम जाके कपड़े बदल लीजिए। बाथरूम इस तरफ है। अपने कपड़े कहीं रख के वहीं खड़ी हो जाइए। लॉन्ड्री साहब, मैले कपड़े देने? बाथरूम से ले लो। अच्छा साहब। ये 7 कपड़े हैं साहब। हाँ हाँ ठीक है। वो लड़की कहाँ गई? लड़की? जब मैं बाथरूम में जा रहा था साहब, वो तो बाहर की तरफ जा रही। बाहर? मेरे कपड़े, मेरे कपड़े लेकर भाग गई। क्या हुआ साहब, क्या हुआ?
अरे एक लड़की मेरे कपड़े लेके भाग गई। कपड़े? हाँ हाँ हाँ, राजस्थानी कपड़े, घाघरा चोली। होटल से बाहर नहीं गई, तुम लोग इधर देखो। लॉन्ड्री मैन कुछ मेले कपड़े हैं मेहता? क्या मेले कपड़े? कोई नहीं, जाओ। चैन जल्दी साहब। गुड गुड गुड, वो बाथरूम किस तरफ है? जल्दी करो, जल्दी करो। वो राजस्थानी लड़की देखी? देखी कहाँ? ये छुपा रखी है मैंने। काम धंधा अपना छोड़कर काम नहीं, एक लड़की के पीछे दीवाना। अरे बिगड़ता क्यों है भाई, अपना काम कर बस। काम कर। दंत वाली, दंत वाली। पहुंच जाएं। शाम, मैंने शाम मिल गया। मैंने शाम मिल गया? हाँ, चलिए। चाली कोट, चाली कोट। ये कोट रख। अरे बाली के, कहाँ गई थी तू? नौकरी खतरे में थी, बीमारी की हालत में कमरे से भागना पड़ा। उफ, तुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ा है मेरा दिल। लोहार की धौंकनी बन गया है मेरा दिल। I'm sorry, प्रोफेसर साहब, चलिए जल्दी चलिए। अब तो मैं थक गया हूँ, मुझे उठा के ले चल। आपको? मैं उठाऊं? अरे तो ट्रॉली में ही ले चल। आए, जल्दी कर, मेरा दिल लोहार की धौंकनी बन गया है। अरे चल भी। मर गया, लोहार की धौंकनी हो गया है मेरा दिल। ओए, कहाँ गए थे तुम लोग? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? हराम, क्या हुआ? कप कपी, फिर से कप कपी। नीना जाओ अपने कमरे से कंबल ले आओ, लाओ अंदर, लाओ संभाल, लाओ लाओ संभाल, संभाल। आए, चुप भी रहिए, उधर प्रीतम बेचारा भी परेशान हो रहा होगा आपको ढूंढ ढूंढ, न जाने कहां भटकता होगा। इतने सारे? हाँ, तभी आपकी हूं हूं बंद होगी। हाय रे बुढ़ापा, अब तो एक मुसीबत बन गया है। देखिए आप लोग जब से आए हैं आराम नहीं किया, जाइए जाइए आराम कीजिए, प्रीतम आता ही होगा मेरी देखभाल के लिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। नीना बेटी तू जा आराम कर। हाय, अब तो बुढ़ापा वाकई एक मुसीबत बन गया है मेरे लिए। चलिए हटिए, ऐसे बूढ़े भी कहाँ हैं आप? बद्री और बुढ़ापा, बेटा और बुढ़ापा, और बुरा।
नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में। आओ बालिके आओ। आज तो आप अच्छे वाले नजर आ रहे हैं प्रोफेसर साहब। मुझसे बात कर मुझसे। जी। बाहर मुड़ मुड़ के क्या देखती है, किसी का इंतजार है क्या? जाइए जाइए, अब हम आपको अच्छी तरह पहचान गए हैं। क्या कहा? जो आप नजर आते हैं ना, दरअसल वो नहीं है आप। तो फिर? अजी बनिए मत, बड़े छुपे रुस्तुम हैं आप। हमारी आंटी ने आजकल चूड़े में फूल लगाना, बाल काले करना किसके लिए शुरू कर दिया है, हम अच्छी तरह समझते हैं। बस यही समझे तो है। क्या कहा आंटी, चूड़े में फूल? मैं आज कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कल जो मैंने आपकी देखभाल की, ये सब उसी का नतीजा है? जी उसी का, बिल्कुल उसी का, वरना बीमारी को इतनी जल्दी ना छोड़ता मैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बीमारी मुझे इतनी जल्दी ना छोड़ती। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। प्रेम नगर में। नीना जी। आंटी जी। कोर्ट का टाइम हो गया, चलो चले। अगर आपकी तबीयत ठीक हो गई हो तो आप भी चलिए ना। ये आज ही तो उठे आंटी, इन्हें आराम करने दीजिए, मिस्टर प्रीतम आते ही होंगे, वो हमें छोड़ेंगे कचहरी। अरे अब मैं उस लफंगे को कभी साथ ना जाने दूंगा, कल ही एफिडेविट गुम कर दिया था उसने। ये कचहरी का मामला इन लौंडों के बस का रोग नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। मिस वर्मा, आपने अपनी छड़ी नहीं ली? जी, दरअसल वो एक बोझ सा मालूम होने लगा है। आइए चलिए। वकालत
क्यों कर रही? कहीं दिल का मामला होता है, होता है, होता है, होता है। पहुंच ले, पहुंच ले, सुखा ले गंगा जमुना, सुखा ले। Thank you.
मत में इतना न हमको सताओ। जहाँ तुम वहाँ हम। तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? अब मैं तुम्हें कभी नहीं सता, प्रॉमिस। तुम मुझे कभी दूर नहीं जाओगे ना? कई जन्मों तक नहीं, लेकिन मैं कुछ देर के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वो आवाज सुनी? किसी मोटर के हॉर्न की आवाज है। उस हॉर्न की आवाज के पीछे एक बड़ी कड़कदार आवाज वाली। आवाज वाली? नीना, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं बता सकता। आज मैं वापसी में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ समझा। मैं इंतजार कर। बस माँ। अरे एक लड्डू और खा लेना। माँ, लड्डू खाने का वक्त गुजर चुका है। अगर एक बजे तक मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस के नुक्कड़ पे नहीं पहुँचा ना, तो बुढ़िया बगैर मुझे ले वहाँ से लौट जाएगी। लेकिन उन्हें यहीं क्यों ना बुला लिया? किस मुंह से बुलाता माँ, वो ठहरी मालकिन। नौकरों को सिर्फ नौकरों वाली शक्ल में देखने की आदत है उन्हें। बड़ी मगरूर बुढ़िया मालूम होती है। बस पूछ मत माँ, मैं हाथ धो के भी आता हूँ। मिस्टर प्रीतम। यस डॉक्टर। आपकी माँ करीब करीब अच्छी हो चुकी, आप उन्हें जल्दी ही ले जा सकते हैं। कब तक? यही कोई दो तीन हफ्तों में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तब तक मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। ला माँ कोट ला। ये नीना कौन है बेटा? नीना? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ माँ? इस खत से। ओ माँ, ये खत, ये बात है कि पढ़ लिया तुमने? हर एक लफ्ज। मैं चला माँ, बहुत देर हो रही है। सुन तो, वो लड़की पसंद है तुझे? ये सब तुम्हारे लिए है माँ, घर का सारा काम काज तुम्हें करना पड़ता था ना, मैंने सोचा कि एक आध लड़की पसंद कर डालू। बस बस, अब ज्यादा सफाई न दे। ये बता, कब ला रहा है बहू घर में? यही तो टेढ़ी खीर है माँ, अगर उनको सब कुछ पता चल गया तो। क्या पता चल गया? यही हमारी बात। नीना तो खैर मान जाएगी माँ, लेकिन उसकी आंटी बड़ी जबरदस्त डिक्टेटर है, वो तो सूली पे चढ़ा देगी मुझे। मजाल है उसकी, लाखों में एक है मेरा बेटा, वो कभी ना नहीं कर सकती। मैं खुद चलकर उससे बातचीत करूंगी। ना माँ, ऐसा गजब ना करना, जब कोई तरकीब निकल आएगी मैं खुद। अरे क्या हुआ? वो बुढ़िया की गाड़ी इधर आ रही है माँ, मैं चला। अरे सुन तो प्रीतम। ओ प्रीतम। अरे आंटी कहाँ है? आप ही को देखने गए सैनिटोरियम में। सैनिटोरियम में? अरे बाप रे। आज यहाँ एक प्रोफेसर साहब। जी हाँ, अभी अभी गया है आपकी गाड़ी की तरफ, बेटा है वो मेरा। आपका बेटा? जी हाँ। ताज्जुब क्यों हुआ आपको? आपकी उम्र ज्यादा तो नहीं मालूम होती। ये तो सब यहाँ के इलाज का असर है, बहुत अच्छा सेनेटोरियम है ये। जी आइए आइए, अंदर आइए ना। बैठिए। मेरा बेटा आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा? जी हाँ, कह रहा था आपके यहाँ उसे हर तरह का आराम है। बड़े अच्छे हैं प्रोफेसर साहब, पसंद हैं आपको? बड़े शरीफ हैं वो, सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। सचमुच बड़ा ही भोला है मेरा बेटा, खाम खा आपसे डरता है। मुझसे? जी, शादी की बातचीत करने के लिए। शादी? जी हाँ, उसने मुझे आज ही बताया कि आप ही की मर्जी पर सब कुछ है, अगर आप मान जाएं तो वो शादी हो सकती है।
जी मैं चलूं। सुनिए तो आपने मुझे अपनी मर्जी नहीं बताई। आप आज से मुझे आप ना कहा कीजिए। अजीब बुढ़िया है। नजर चुराए इस तरह कहाँ भागे जा रहे हैं? जी जी आइए तो जरा गाड़ी में आइए। जी जी बड़े वो हैं आप। जी बुजदिल भी हैं आप। जी हाँ मुझसे तो आज तक छुपाते रहे लेकिन माँ जी ने मुझे सब कुछ कह दिया। सब कुछ? जी हाँ सब कुछ। देखिए मैं अपना कसूर मानता हूँ। शर्म नहीं आई आपको? जी शर्म तो कई महीनों से आ रही है। झूठे कहेंगे बेशर्म बन के माँ जी के सामने सब कुछ कह डाला। अच्छा बनो मत मैं तो शर्म के मारे गड़ी गई। वो हमारे बारे में क्या सोचती होंगी? क्या मुझसे मेरी मर्जी पूछने लगी। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ जो झट से हाँ कह देती। किस बारे में? कुछ तो शर्म करो ड्राइवर सुन लेगा। आराम से बैठो ना। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तुझके सब संसार। गाड़ी रोको ड्राइवर। क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है आप लोग चलिए मैं अभी आता हूँ। मगर कहाँ जा रहे हैं? अभी आता हूँ। तम होता है बच्ची होता है। जी मैं तो दिलों से खेलने की आदत हो जिसे उससे लौ ना लगा बच्ची। वो खिलाड़ी तेरे प्यार को पंक्चर फुटबॉल की तरह ठुकरा चुका है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। होता है बच्ची होता है। इस जन्म में तो सटक गया वो तेरे हाथ से किसी दूसरे का हाथ थाम लिया है उसने। ऐसा ना कहिए प्रोफेसर साहब ऐसा ना कहिए। हाय तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। एक चाहने वाला पति चाहती है ना तू तो फिक्र ना कर उस सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। प्रोफेसर साहब कैसी बातें करते हैं आप? सीधी बात है बच्ची सीधी बात है। आखिर उस लफंगे और मुझ में फर्क ही क्या है? सिर्फ इस दाढ़ी मूछ का तो तेरे लिए उसे भी साफ कर दूंगा। शर्मानी चाहिए आपको मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए निकलेंगे। नीना सुनो तो नीना तू? जी हम धोखेबाज 420 लोफर आवारा कहीं के सारे के सारे टाइटल तो गिनवा दिए प्यार से भी एक बार नाम ले लो। छोड़ दो मुझे अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। तुमने हम सबको धोखे में रखा। क्या करता नीना दो बातों ने मुझे मजबूर कर रखा था। एक तो मेरी बेकारी दूसरी माँ की बीमारी। सच मानो नीना जिस दिन माँ ठीक होकर सैनिटोरियम से निकलेगी उस दिन मैं तुम्हारी आंटी को सब कुछ बता दूंगी। मैं पूछती हूँ इससे पहले मुझे क्यों नहीं बता दिया? अब तक मेरे जज्बात से खेलते क्यों रहे? राज जब तक राज है सिर्फ अपनों को ही बतलाया जाता है। जिस वक्त मुझे यकीन हुआ कि तुम मुझे अपना समझती हो फौरन तो तुम्हें बतला दिया मैंने। तुम जैसे धोखेबाज को मैं कभी अपना नहीं समझ सकती। फिर रोने लगी। आजकल तुम बहुत बोर करने लगी हो। अब आओ भी मुझे देर हो रही है।
करेंगे? करेंगे कुछ, एक दो दिन में बताऊंगा। कहाँ? रीता। अच्छा रीता मैं जाता हूँ। अच्छा कौन था वो? बोलो कौन था वो? रमेश। रमेश देखो रीटा, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके भी कुछ ढंग होते हैं। शहर से इतनी दूर इन खंडरात में मिलना, लोग तुम्हारे चाल चलन के बारे में क्या सोचेंगे? शहर में उससे मिलती तो आंटी को पता चल जाता। अगर तुम्हें आंटी का इतना डर है तो फिर इस लड़के से मिलती ही क्यों हो? मैं आंटी से नहीं डरती। रमेश का भी यही ख्याल था कि मैं आंटी के डर से उसे मिलना नहीं चाहती। मैं कहती मैं नहीं डरती आंटी से। तुम आंटी से बहुत डरती हो रीटा, इसलिए जिद में गलत हरकतें करती हो। उस लड़के से मिलना जुलना छोड़ दो, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं। अगर होती तो मुझे देखकर तुम्हें छोड़कर भाग नहीं जाता। अच्छा जाओ, कॉलेज लौट जाओ, आइंदा उस लड़के से ना मिलना। आजकल की लड़कियों से जब तक सख्ती न बरती जाए वो सीधी राह पर नहीं आती। जरूरत से ज्यादा सख्ती की जाए तो लड़कियां बिगड़ भी जाती हैं। रीटा और नीना बच्ची नहीं हैं, समझदार हो चुकी हैं, शादी ब्याह के काबिल हैं, कुछ उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए। हरगिज नहीं, उनकी शादी उनकी नहीं मेरी मर्जी से होगी, और नीना के लिए तो मैंने लड़का भी तय कर लिया। क्या? कौन है? कौन है? किससे? मैंने सोचा दो खानदानों का मेल हो तो पूरी तरह से क्यों ना। मैं समझा नहीं, किस खानदान का लड़का है वो? बुद्धू कहीं, प्रीतम है वो लड़का, समझे? सचमुच? सचमुच नीना की शादी मुझसे हो रही? तुमसे? मेरा मतलब है मेरे भतीजे प्रीतम से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन मान तो जाएगा ना वो? अजी वो क्या, उसका चाचा भी मानेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीता किसे देख रही हो? हनुमान सिंह जी। प्रोफेसर साहब को कहीं देखा? जी हाँ, वो अभी नीचे टेकरी की तरफ जा रहे थे। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़के से मिलने आई हो ना? मेरे मना करने पर भी उस आवारा लड़के से तुम्हारा मेल जोल जारी है अब तक। मैं क्या करूँ प्रोफेसर साहब, रमेश से मिलना बहुत जरूरी है मेरे लिए, आप नहीं जानते बहुत जरूरी है। पर अब वो मुझसे नहीं मिलता, जहाँ गए बुलाते तो मिलने नहीं आता। फिकर ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिकर ना कर, फिकर ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रोफेसर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आप दोनों? चलिए ना, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ वो आ गए। आइए प्रोफेसर साहब, यहाँ आइए। आया, अभी आया। खामोश, आप लोग जरा शांत हो जाइए। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्द मेरी भतीजी नीना की शादी होने वाली है। और जिस लड़के से शादी हो रही है
वो कोई पराया नहीं, अपने प्रोफेसर साहब का भतीजा है वो। मुबारक हो काली के। मुझे भी कुछ कहना है। आप लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी, यहाँ जल्द एक नहीं दो शादियाँ होने वाली है। जी हाँ, दूसरी शादी मेरी सहेली सीता देवी और प्रोफेसर साहब की। बात बहुत बढ़ चुकी है, सोचता हूँ तुम्हारी आंटी को जाके सब कुछ कह दूँ। उनका गुस्सा तो तुम जानते ही हो, अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मजबूरी जाना ही पड़ेगा। अकेले जाओगे? तुम्हें कैसे साथ ले जा सकता हूँ? अब मैं बच्ची नहीं रही जिससे चाहूँ शादी कर सकती हूँ। कानूनन भी आंटी का मुझ पर अब कोई जोर नहीं। कानूनन ना सही, लेकिन शराफत भी तो कोई चीज है। मैंने जिस घर का नमक खाया वहां से मैं तुम्हें इस तरह से कैसे? यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? ए, मेरी आंखों में देखकर फिर से यही बात कहो, कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। कहो 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 कहो। अच्छा भला यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था, क्यों तुमने मुझे तंग किया? क्यों मुझे बदला लेने पर मजबूर किया? आज उसका नतीजा देख रही है। उधर तुम अपने दिल से मजबूर हो, इधर मैं, कोई हल नजर नहीं आता। वक्त के साथ कोई ना कोई हल निकल आएगा प्रीतम। तुम अभी आंटी को असलियत मत बताओ, मत बताओ। शायद तुम ठीक ही कहती हो, वैसे भी तो कल तक तो मुझे छुपाना ही पड़ेगा। सिर्फ कल तक? हाँ, रीटा को कोई जरूरी काम, उसके बाद मैं। हनुमान सिंह जल्दी से दाढ़ी। ये तो आपने देख ही लिया है, ये देखिए नया डिजाइन हीरों का। रमेश बाबू अचकन का ट्रायल ले लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी में अचकन नहीं सूट पहनूंगा। रमेश, शादी में अचकन पहनोगे तुम? जी पिताजी, जी हाँ, अचकन ही पहनूंगा। अच्छा, तो चुपचाप शादी करने की तैयारियां कर रहे हो साहब? आप कौन हो? तुम कहना क्या चाहते हो? ये शादी नहीं हो सकती। एक भोली भाली लड़की को धोखा देकर ये लड़का कहीं और शादी नहीं कर सकता। नहीं नहीं पिताजी, बात ये थी कि। क्या बात थी? वो लड़की तो खुद मेरे पीछे पड़ी है, देखिए ये उसका खत। मेरी प्रीतम, मैं कल भी उसी जगह तुम्हारा इंतजार करती रही, पर तुम ना आए। तरस खाओ मुझ पे, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज 2 बजे जरूर आना, तुम्हारी रीता। लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। मेरा बेटा दूर भागता है उससे, फिर भी उस पे डोरे डाल रही है वो अवारा लड़की। अवारा वो नहीं, आपका बेटा है। रीटा को बहका कर इसने उसे अपने जाल में फांसा है। इसे रीटा से शादी करनी ही होगी। बको मत, रोमेश की शादी वहां होगी जहां मैं चाहता हूं। अब भी वक्त है, हिम्मत से काम ले। रीटा तुझे चाहती है, तू एक बार हिम्मत कर, मैं देखता हूं तुम दोनों की शादी कौन रोकता है। अरे तेरा बाप भी नहीं रोक सकेगा। तुम सीधी तरह जाते हो, जाओ, मैं बुलाऊं दरबान को। आप जाइए, अब आप जाइए। मैं अपने पिताजी का कहना नहीं डाल सकता। कमीने, तू इस काबिल नहीं कि रीटा तुझसे प्यार करे। बुजदिल आदमी है वो, निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा। अच्छा हो कि ऐसे निकम्मे के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो रही।
लेके। परेशान ना हो, उसका ख्याल छोड़ दो, धीरे धीरे वक्त में सब कुछ भुला देगा। ये ले तुम्हारा खत, मैं उसे छीन लाया हूँ क्योंकि वो बुजदिल आदमी कहीं और शादी कर रहा। शादी? हाँ, आज ही कल। ओ माँ, अब मैं कहीं की ना रही, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? रीटा, क्या बात थी? वो इतनी बेहाल होकर यहाँ से क्यों भागी? अपने मतलब की बात करो, यहाँ क्यों आए? ना, खुद नहीं आया हूँ, मालकिन ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि आज दोपहर की गाड़ी से आपकी माँ यहाँ पहुंच रही है। माँ? नहीं। जी हाँ, मालकिन ने उन्हें खत लिखा था, शायद उसके जवाब में उनका तार आया है, मालकिन उन्हें लेने जा रही है। आप रे, तब तो क्या बात है, घबरा क्यों गए आप? कुछ नहीं, मालकिन से कह देना कि वो ना जाए, मैं खुद जाके माँ को ले आऊंगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, रीटा को क्या हुआ? रीटा ठीक हो जाएगी, गाड़ी का वक्त हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना। लेकिन वो झील की तरफ क्यों भागी? झील की तरफ? हाँ, पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी कि जिंदगी बेकार है। नीना, क्या बात है? आंटी, रीटा भाग गई झील की तरफ, झील की तरफ। रीटा देवी और प्रोफेसर साहब में कुछ गड़बड़ चल रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गड़बड़? जी, आओ तो। आओ भाई। रीटा, राज खुल जाएगा। सीरियस हो गया, लड़की तो मां बनने वाली है। क्या कहा आपने? नहीं, रीता मां बनने वाली? जी हां। नहीं नहीं,
नहीं, मैं मार डालूंगी उसे, मैं मार डालूंगी। मिस वर्मा। आंटी। अरे तेरे कपड़े तो सब भीगे हुए हैं, तू मुझे लेने स्टेशन क्यों नहीं आया? माँ बता ना, चुप क्यों है? बताऊंगा माँ, बताऊंगा। कब बताएगा, आखिरी साल में कहाँ जा रहा था तू? चल अपने घर ले चल मुझे। घर? अब मेरा कोई घर नहीं है माँ, मेरी नौकरी भी जाती रही। मैं तो जान से मार डालूंगी। इस आवारा ने मेरे खानदान की इज्जत बर्बाद, तेरी बहन को मां बनाया है इसने। छोड़ दे। क्या कहा आप? क्या ये सच है? झूठ है माँ, बिल्कुल झूठ है। और क्या ये भी झूठ है कि तू हमेशा से धोखा देता रहा हमें, बुढ़ा मन के नौकरी करता रहा हमारे यहाँ? चुप क्यों है बेटा, जवाब देना। तू तो कम जैसा नहीं था। जिस घर का नमक खाया उसी के आबरू पे हाथ डाला इस नमक हराम ने। हड्डी पत्नी तोड़ा इस नमक हराम की, तोड़ा हड्डी पत्नी। नहीं 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 क्या हुआ बेटा, ये देवी कौन है? मेरी माँ। जब तक मैं लौट नहीं गुजारी जी, आप इन्हें संभाल लेगा। तनक चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ माँ, तुम्हारे सामने जो कलंक मेरे नाम पर लगाया गया है, जब तक मैं वो धो ना लूंगा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा माँ, कभी नहीं। छोड़ दे मुझे, बदमाश, छोड़ दे, छोड़, छोड़, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, तुम कौन कह रहे हो? छोड़ दो मुझे। नीना जी, कौन है ये? जी ये नीना। तू यहाँ क्यों आया है? तू जो तोहमत आपने मुझ पर लगाई है ना, तो रोसो वो इस पुस्तल की हरकत। मैं कहती हूँ बाहर निकल जाए यहाँ से। देखिए ना, ये गुंडा जबरदस्ती मुझे बारात से उठा के लेके आया। गुंडा? फिर देख मैं तुझे लेकर आया कहां। पहचान इसे, पहचान? रीटा, सुन लिया आपने? और आपका ख्याल था कि मैंने आपके खानदान की इज्जत पर हाथ डाला, उसके लिए आपने मेरी बूढ़ी माँ को भी जख्मी किया है? और बताइए, जवाब दीजिए, धोखेबाज कौन है, मैं या वो? बकवास! याने जो तुझे प्रेम भरा खत लिखा मैं अपनी आंखों पर चुकी, और तुझसे बढ़ के धोखेबाज और कौन हो सकता? बूढ़ा बन के तूने मुझे धोखा दिया, जवान बन के एक तरफ नीना को अपने जाल में फंसा, और दूसरी तरफ उसकी बहन रीटा को भी। नहीं, गलत है रीटा। सुना तुमने रीटा, ये इल्जाम जो मुझ पर लगाया जा रहा है, तुम जानती हो ये झूठ है, इन्हें बता दो कि ये सब झूठ है, बता दो इन्हें। ए मिस्टर, पेशेंट को ज्यादा परेशान न कीजिए, दिमाग को शॉक पहुंचने की वजह से जबान बंद हो गई है इनकी। क्या? जी हाँ, रीटा की जबान बंद है। नहीं, रीटा,
रीटा बोलो। मैंने कहा ना कि इनकी जबान बंद है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। कभी नहीं। अगर ये बुजदिल यहाँ से चला गया तो रीटा की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। चाहते ही कहीं और शादी कर लेगा ये। जब तक मेरे दम में दम है ये रीटा को छोड़कर कभी नहीं जा सकेगा। हनुमान सिंह बुलाओ सब नौकरों को। देख लिया तूने तेरी वजह से रीटा की क्या हालत है। पुकार पुकार उसे, शायद वो तेरी आवाज सुनकर चौंक उठे। मैं कहता हूँ पुकार। नहीं पुकारेगा बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, नाम ले उसे। मैं कहता हूँ पुकार, नाम ले उसका, पुकार पुकार, नाम ले उसका। पुकार पुकार उसे, नाम ले उसका, पुकार। कितने होर भी लगाया। क्या कहना चाहती है आप? नहीं ना, ये आवारा है, धोखेबाज है, लफंगा है, जो कुछ भी है मेरा दिल जानता है। और आप क्या है ये भी सुन लीजिए, जल्लाद है आप, जल्लाद। जल्लाद? तूने भी मुझे जल्लाद कहा? एक बार नहीं, हजार बार कहूंगी। आज आप मेरी जुबान नहीं रोक सकेंगी। आप क्या जाने माँ बच्चों का प्यार क्या होता है। हमारी माँ नहीं इस दुनिया में, सोचा था आपसे माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन माँ नहीं, जल्लाद है आप, जल्लाद। जिसने आपकी भतीजी को डूबने से बचाया, सिर्फ उसी पर नहीं, उसकी माँ पर भी आपने पत्थर बरसवाए। वही बेटा जिसकी माँ पर पत्थर बरसवाए, आज इस बुजुर्ग को लेकर आपके दरवाजे पर आया। क्यों? इसीलिए ना कि आपकी भतीजी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। ये देखिए, देखिए कि उसके दूसरे एहसान का मतलब क्या दिया आपने। आपको आंटी कहते हुए शर्म आती है हमें। आज से आंटी का शब्द आप हमारी जुबान में कभी नहीं सुनेंगी। हमारी आंटी मर चुकी है। आंटी नहीं, जल्लाद है आप, जल्लाद, जल्लाद। हनुमान सिंह, तुमने सुना? तुमने सुना? मेरी भतीजी मुझे जल्लाद कह रही। जल्लाद, जल्लाद। सीता देवी, सीता देवी, ना सीता देवी, आप जल्लाद नहीं हैं, आप अपनी भतीजों की माँ की जगह हैं। माँ? मैं माँ न बन सकी, मैं माँ न बन सकी, जल्लाद। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। मैं माँ नहीं, मैं माँ नहीं। सीता देवी, मैं आंटी भी नहीं। सीता देवी, मैं आंटी नहीं। सीता देवी, भूल जाए नीना की बातों को। सीता देवी माफ कर दीजिए उन्हें, आपकी बच्चियां हैं। मेरी बच्चियां? बच्चियां माँ की हुआ कर, मैं तो जल्लाद हूँ। अच्छा सीता देवी, माँ नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं। क्या किया है आपने माँ बनने के लिए? कभी प्यार से अपनाया है उन्हें, कभी सीने से लगाया है उन्हें, उनकी यतीमी पे कभी आंसू बहाए हैं आपने? जानता हूं मां कैसी होती। टीबी की मरीज थी मेरी मां, और मर्ज हमेशा छुपाया मुझसे, इसलिए कि बेकारी के आलम में औलाद परेशान ना हो। ये होती है मां सीता देवी, मां ये होती है। मैं क्या जानू मां क्या होती है। मैं माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं माँ। आप माँ है सीता देवी, माँ है आप। पर औरत माँ होती है, हर औरत में ममता होती है, वरना क्यों तड़प रही हैं आप इस वक्त?
इधर आपकी ममता तड़प रही है और उधर देखिए देखिए आपकी अनाथ भतीजियां। इतने करीब होकर आप सब इतने दूर क्यों हैं? अपनी ममता को जानने का मौका दीजिए सीता देवी। आप माँ है आप अपनी भतीजियों को अपना दीजिए। आप माँ है सीता देवी, माँ है आप। दो बेटियां हैं, मुझे दो दामाद चाहिए। चल इधर चल। Thank you.